हेलो फ्रेंड्स, नीतूज कुकिंग रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ग्रीन अनियन मींस हरे प्याज की सब्जी। फ्रेंड्स, अभी तक तो हम हरे प्याज को सिर्फ चाइनीज कुकिंग में ही यूज़ करते हैं, तो चलिए आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे। एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स ऐड करेंगे और 2 पिंच हींग ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ग्रीन अनियन को कट करके रखा है। इसका वाइट अनियन का पोर्शन भी कट करना है आपको इसी के साथ, और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 मैंने रॉ पोटैटो को चॉप करके रखा है, उसको ऐड करेंगे। पोटैटो ऑप्शनल है फ्रेंड्स, बट आप इसमें अगर ऐड करेंगे तो अच्छा लगेगा। सॉल्ट ऐड करेंगे हम, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ग्रीन अनियन को मोस्टली हम जो है चाइनीज कुकिंग में यूज़ करते हैं, चिली पनीर, चिली चिकन या फिर किसी भी तरह की चाइनीज कुकिंग, फ्राइड राइस में हम इसको यूज़ करते हैं मोस्टली। तो आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें वाटर कंटेंट जो है आ रहा है, तो इसे हम जो है हाई फ्लेम पर ही कुक करेंगे 5 मिनट तक, जब तक कि इसका वाटर जो है पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। हम इसे लिड से कवर कर देंगे और 5 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसे वाटर कंटेंट जो है काफ़ी आ गया है और जो है हल्का सा सॉफ्ट भी हो गया है हमारा जो स्प्रिंग अनियन है ग्रीन पार्ट, अच्छी तरह वो सॉफ्ट भी दिख रहा है। हम इसे मिक्स करेंगे एक बार और इसे अगेन लिड से कवर करेंगे और वाटर कम्प्लीटली ड्राई होने तक हम इसे कुक कर लेंगे। 5 से 7 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं वाटर जो है काफ़ी एब्जॉर्ब हो चुका है इसका। एक बार हम मिक्स करके देख लेंगे, देखिए इस तरह से। मिक्स करने के बाद हम जो है एक बार इसे लिड से और कवर कर देंगे और इसे जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर हम 5 से 7 मिनट और कुक कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कम्प्लीटली जो है वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है इसका। स्प्रिंग अनियन जो है अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं, कुक हो गए हैं प्रॉपरली। पोटैटो भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। बस इसे हम मिक्स कर देंगे और लिड से कवर करके हम 2 मिनट्स के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे हम, उसके बाद जो है हम इसे सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेम्पटिंग सा इसका कलर आ गया है। 2 मिनट इसी तरह से छोड़ देने के बाद जो है अच्छी तरह प्रॉपर जो है ऑयल भी सेपरेट हो गया है सब्जी में से और प्रॉपर जो है अच्छी तरह ये कुक हो गया है, मसालेदार बन गया है। आइए इसे सर्विंग बोल में हम सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ट्राई करें, रोटी पराठे राइस के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे लंच या डिनर में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपने कमेंट्स बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जल्दी ही मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर। Thanks for watching.